हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं और हमारी सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं 3:07 हो रहे होंगे या 15 मिनट हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं ना, तो विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने भोलेनाथ के। बहुत सालों के बाद मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बनारसी आई हूँ। वाराणसी या बनारस कह लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बनारसी नहीं है, वाराणसी। और ये पार्ट अभी भी सोया हुआ है, इसे ऐसे ही तैयार किया गया है और हम तैयार हो चुके हैं। सिंपल सी येलो वाली साड़ी पहनी है और हाथ में ये बैंगल्स डाली है क्योंकि एक ही मैं लेके आई हूँ, ये हर साड़ी पे चल जाता है, इसलिए मैंने ये वाला पहन रखा है। और अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, सब लोग तैयार हो गए। बस पार्ट का थोड़ा सा मुँह ऐसे फ्रेस किया जाएगा ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ भले सोया रहेगा वैसे ही, बट एक बार धो देना है। और निकलते हैं हम लोग। और वहाँ पे सूट करना अलाउ नहीं है, अंदर में फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, तो पहले ही हम लोग को जमा करना पड़ेगा हर चीज़, फ़ोन और भी अगर बैग वगैरह लेके जाते हो तो अंदर सूट तो नहीं कर पाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे उससे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। चलो पहले रास्ते तो तय कर ले साथ में। मंदिर तो अभी बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, हम लोगों ने 250 मीटर के आस पास ही लिया है होटल, तो उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये इधर अपना सामान रखते हुए तो कुछ लिया नहीं जाएगा हम लोग प्रसाद और साथ ऐसे चलते हैं, खाली हाथ जाएंगे लोग। ये लाइन लगा है मंदिर के, इधर से जाना है। हाँ उधर कहाँ, जल्दी चलते हैं बाबा, कहाँ से जाना है? ठीक है, इतना काफी है। 3 रुपीस दे दीजिए इस बच्चे को, ये लंबा लाइन लग गया। आप जूता चप्पल मोबाइल आप अंदर कुल जमा कर दो, वहीं भी हो जाएगा चप्पल आगे नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलिए हम लोग मोबाइल में इधर जमा कर दो। कितना है ले लीजिए देना है, चलो हम दर्शन करके आ चुके हैं और अभी भी सुबह ही है। साड़ी पहन के चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या क्या लॉकर वाला, क्या लॉकर? अभी चलो पहले चलते हैं होटल, चलते हैं फिर थोड़ा सा फ्रेश होएंगे फिर से आएंगे। और ये मैंने चंदन का टीका करा है दे दिए हैं। कर ले लगाइए। और ये है हमारा प्रसाद, दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन अच्छा रहा। बट हम लोग निकले थे स्पर्श दर्शन करने के लिए, मतलब टच करके भगवान जी को दर्शन करने के लिए, वो नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग इतनी लंबे लाइन थी पूरा। हम लोग पहुँचे ही 5 बजे के बाद वहाँ तक भगवान जी के पास, और 5 बजे तक ही शायद
स्पर्श दर्शन रहता है, और उससे पहले मतलब जाने के लिए हमको लग रहा है आपको ना 2 या 1 बजे से ही लाइन में लगना पड़ेगा, तब हमको लग रहा है जा पाओगे, क्योंकि हम लोग 3 बजे गए थे ना, और 3 बजे ना हम लोग रोड पे यहाँ तक लाइन में लगे, जाते जाते 4 बजे तो ओपन हुआ मंदिर जाने के लिए स्पर्श दर्शन के लिए, बट हुआ नहीं, बट ऐसे दूर से दर्शन हुआ। जो आप लेके जाते हो ऐसे स्लाइडर जैसा बनाया है सब, उस पर ढाल दो और वो मतलब ढलते ढलते चला जाएगा, जल है तो भगवान जी के पास फ्लावर वगैरह सब ऐसे ही रख देते, फिर वहीं से उठा उठा के तो कितना फेंक देते, भगवान जी के पास जाता भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ की और भी बहुत सारे मतलब शिव जी के शिवलिंग वगैरह था, तो वहाँ पे टच किया हमने एक जगह, फिर और देवी देवतालों के मंदिर थे, लक्ष्मी जी के थे, अन्नपूर्णा माँ का था, पार्वती जी का था, छोटे छोटे टेम्पल में वहाँ पे बनाए गए थे, बहुत अच्छा था। प्लस ठंडा वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, मतलब इधर उतना ठंडा नहीं, वहाँ भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, बट इधर कम ठंडा है, और मंदिर के एरिया में ना इतना ठंडा, इतना, और हवा भी सनसन चल रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता, बट बहुत अच्छा लगा भोलेनाथ से मिलके। और होता है ना, एक मैं पहले इतनी बड़ी भक्त नहीं थी भोलेनाथ की शादी से पहले, लेकिन शादी के मतलब ठीक होने के बाद, या यूँ कह लो कि शादी के बाद मैं समझी कि मतलब चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। तो शायद मुझे होता है ना कि जब आप किसी को नहीं जानते हो तो उनसे उतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं होता है, लेकिन जब आप जानते हो तो अलग तरह से जुड़ जाते हो भगवान जी लो से या फिर किसी चीज़ से। तो वही है, दर्शन अच्छा हुआ, और अभी हम लोग थोड़ी देर होटल पे आ गए थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए, क्योंकि पार्थ को अजीब सा हो रहा था, सुबह सुबह उठ गया था ना, तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो ये बैठ के कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, बट चल नहीं रहा है पता ना क्यों। और ये टीका करवाया मैंने मंदिर में ही पंडित जी से, और ये सब टीका तो हाथ से करते करते, इतने देवी देवता है कि हाथ से करते करते इतना बड़ा हो गया फैल के। हाँ अच्छा ठीक है, हम देखते हैं क्यों वाइट वाइट हुआ, किसने क्या किया। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग निकलेंगे आधे घंटे में बोटिंग के लिए, तो बोटिंग करेंगे लो, और हम सोच रहे हैं थोड़ा सा चेंज कर ले, तो देखते हैं चेंज करते हैं कि यही पहन के जाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको चलने में, साड़ी पहन के अजीब सा लगता, लगता पैर बंधा सा गया है, और जल्दी जल्दी चल नहीं पाते हो आप, थोड़े आराम आराम से चलते हो। और ये पार्थ है, और इधर पार्थ क्या मांग रहे हैं, चाभी ये कितना गुस्साते हो, पूजा कर रहे, कौन गुस्साता भाई, वो भी माथे पे चंदन लगा के। तो हम लोग निकल लिए घाट के लिए, क्योंकि बोटिंग करने, और सुबह सुबह वाली बोटिंग ना ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सनराइज दिखता है, और होता है ना कि मॉर्निंग वाली कोई भी चीज़ ज़्यादा सही रहती है, और घाट पे सुबह सुबह जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। और ये रुद्राक्ष के माला, तुलसी माला, ब्रासलेट, कड़े, सिंदूर, बाकी सारी चीज़ें मिल रही थी, छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं मिलती है घाट वगैरह पे, वो सारी चीज़ें, पपाया वगैरह, सुबह ही सुबह बैठे थे सब। अभी तो सुबह सुबह खाली है, लेकिन होता है ना कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है कि पूछो नहीं आप लोग। और ये फ्लावर वगैरह, माला वगैरह मिल रहे हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं घाट पे, उसके बाद से टीका वगैरह करवाएंगे लोग, क्योंकि हमने मंदिर में केवल चंदन का टीका करवाया था, और सिंदूर वाला रेड रेड ओम या फिर स्वास्तिक बनाते हैं सब ना, वो अभी हम लोगों ने नहीं कराए हैं। तो देखो हम लोग आ गए हैं दशमेव घाट, ये दशमेव घाट है, और यहीं पे मतलब शाम की आरती वगैरह होती है। तो ये भैया हैं बोटिंग वाले, जो बोल रहे थे कि चलिए मेरे बोट पे चलिए, इतना चार्ज है, ये चार्ज है, वो चार्ज है, तो हम लोग निकल लिए बोटिंग के लिए। और आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।